स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी शिक्षा के इस YouTube चैनल पर, जहां मैं सारिका द्विवेदी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को भारत के भूगोल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा भारत के बारे में, या फिर जो चीज़ें आपको पहले से पता है वो चीज़ें आप रिवाइज करोगे यहाँ पर। तो इस क्लास को पूरी कंप्लीट देखिए, क्योंकि आपको आपका ये जो टॉपिक है ये आपको सुपर टेट में काम करेगा, ये आपको ईवीएस में काम करेगा, जो कि आपके पेपर वन के लिए। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप मुझे अनअकैडमी पर अभी तक की फॉलो नहीं किया है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए क्लास की। जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, चाहे वो प्लस क्लास हो या फिर फ्री क्लास हो, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। आप मेरा कोड सारिका लाइव यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ये कोड यूज़ करके। बाकी मेरी प्लस पर साइंस की क्लास होती है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। प्लस के फीचर्स में सिलेबस कंप्लीट, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको दिए जाते हैं। साथ में आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, सिलेबस कंप्लीट, फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी पर दी जाती हैं, आप लोगों को पहले से ही पता है। बैच कोर्स भी दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती है। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो 6 महीने का, 12 महीने का, जिसका भी सब्सक्रिप्शन चाहते हो, तो ये फीस आपको 699, 899, इस पर आप मेरा कोड सारिका लाइव यूज़ करके इस पर भी आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। DSSB, SuperTET, KVS, NVS इन सभी के सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कीजिए, तो जो भी आपको ये फीस दिख रही है इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप कॉइन्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके लिए UPTET का आपको एग्ज़ाम हो रहा है 28 नवंबर को, आप सभी लोगों को पता है डेट आ चुकी है, इसी वजह से प्रैक्टिस बैच कोर्स लेकर के आया गया आप सभी लोगों के लिए। ये प्रैक्टिस कोर्स आपका 3 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। KVS PRT का बैच आपका 31 अक्टूबर से स्टार्ट है, जिसमें साइंस की क्लास मेरी आपको कल से मिलेगी, 31 अक्टूबर से मिलेगी दोपहर में 3 बजे, और ये क्लास आपको मिलेगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। TTS आप याद रखिएगा, आपको इन दिनों पर क्लास मिलेगी मेरी साइंस की, बाकी सभी टीचर्स अपनी क्लास की टाइमिंग आप वहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं। सीटेट पेपर वन पेपर टू आपका 27 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है, सीटेट का एक कंप्लीट बैच कोर्स 13 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे भारत के बारे में पढ़ना, भारत की स्थिति, वैसे हम अपना देश ही है भारत, जिसके बारे में हम सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है, फिर भी हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले तो यही कि भारत की स्थिति, भारत कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति क्या है, मतलब कहाँ से कितने डिग्री अक्षांश है, कितना डिग्री देशांतर है, तो पहले तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है भारत की स्थिति क्या है, तो इसके अक्षांश की बात करेंगे। आपको पता ही है कि पूरे जो भारत, जो ग्लोब आप देखते हो, उसको दो प्रकार की रेखाएं होती है, एक तो अक्षांश होती है और एक देशांतर होती है, ठीक है, अक्ष पर होती है अक्षांश, जो कि कहाँ से कहाँ तक की गई हुई है, ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये आपकी 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तर की दिशा में, याद रखिएगा उत्तर की दिशा में। लेकिन अगर देशांतर की बात करी जाए, स्थिति की बात कर रहे हैं, देशांतर की बात करेंगे, तो ये आपकी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये किधर की तरफ है, ये पूर्व के मध्य में, ये आपकी, आपको पता ही होगा आपका जो मतलब जो इंडिया है वो ऐसे करके बनता है, इसमें 8 डिग्री 37 मिनट और देशांतर आपका 68 डिग्री 95 मिनट, ये आपका पूर्व में स्थित होता है, तो आपको पता होगा है ये उत्तर से लेकर के उत्तर, और ये पूर्व के मध्य में स्थित है, तो आप याद रखिएगा ये चीज़ें भारत की स्थिति क्या है। बाकी सेकंड क्वेश्चन आपका बोला गया है कि भारत को 2 भागों में, अब यही भारत है आपका, ये बिल्कुल मतलब ऐसे क्योंकि चतुर्भुज के आकार का, इस भारत को 2 भागों में कौन विभाजित करती है, तो भारत को 2 भागों में आप सभी को पता है कर्क रेखा जो है हमारी, कर्क रेखा हमारी जो कि 23.5 डिग्री
23 डिग्री उत्तर में स्थित है। अगर पूरे ग्लोब को देखा जाए 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है और ये हमारे भारत को दो भागों में विभाजित करती है। लेकिन अगर देखो एक मिनट, जैसे कि ये आपका ग्लोब है और इसमें आपको पता ही है कि बीचों बीच से जाती है विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा भी बोल दिया जाता है, 0 डिग्री इक्वेटर भी बोल दिया जाता है। इसके ऊपर आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ये आपकी कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, ठीक है। और इसी के नीचे आपकी 23.5 डिग्री साउथ पर, ठीक है, ये आपकी कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा होती है। ये भी आपका यूपी नेट में क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि मकर रेखा आपकी कहाँ से गुजरती है। पूछा जाए कर्क रेखा किसको दो भागों में विभाजित करती है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। विषुवत रेखा किसके बीचों बीच से जाती है, तो विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच से होकर के जाती है, याद रखिएगा। मकर रेखा किसके बीचों बीच से होकर के जाती है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से बीचों बीच से होकर के जाती है। पूछा जाए कर्क रेखा मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं, ठीक है, ये तीनों रेखाएं कहाँ से होकर के गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका से मतलब कि तीन की तीनों ही रेखाएं होकर के गुजरती हैं। ये पेज आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी ये हमने आपको बता दिया कि भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है प्रमाणिक मध्यान्ह रेखा क्या होता है, मतलब भारत देशांतरों में कौन सा है जो कि भारत की प्रमाणिक मध्यान्ह रेखा है, तो ये हमारी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा जो है ये हमारी प्रमाणिक मध्यान्ह रेखा कही जाती है भारत की। ये सारी की सारी स्थिति भारत की बताई जा रही है, याद रखिएगा आपको, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पड़ोसी देशों की, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं शामिल, ये भी हम आपको बताते हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। ये आप ना ये थ्योरी देखो, इस पे MCQ इस वजह से नहीं करवाए गए हैं, यहाँ से आप थ्योरी आपका कवर हो जाएगा, तो आप ये याद रखिएगा। बहुत बढ़िया से फिगर बनाने नहीं आता, एक रफ फिगर में आप देख सकते हो कि हमारा भारत इसी शेप में होता है, चतुर्भुज आकार का होता है, जिसमें कि आपको पता है इधर हमारा कौन सा होता है, इधर हमारा चीन स्थित है, ठीक है, चीन स्थित है, इधर आपका नेपाल स्थित है, इधर आपका भूटान स्थित है, याद होगा सभी लोगों को। बाकी इधर आपका पूर्व में क्या पड़ता है, पूर्व में आपका म्यांमार पड़ता है, ठीक है, पूर्व में क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है, और आपका क्या पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है, ठीक है, और आपका क्या पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है, और इधर आपका क्या पड़ता है, इधर आपका पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान पड़ता है, और इधर आपका अफगानिस्तान पड़ता है, ठीक, अफगानिस्तान पड़ता है। तो ये थे भारत के पड़ोसी। अब बात करी जाएगी, श्रीलंका छूट गया है, ठीक है, तो आपको इधर भी पता होगा कि श्रीलंका आपका नीचे की तरफ पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो जल के साथ में कनेक्टेड है, ये स्थल से कनेक्टेड है, ठीक। तो भारत के पूछा जाए स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की स्थलीय सीमा, स्थल की बात कर रहा है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका पानी है, स्थलीय सीमा बात करी जाएगी, तो स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, तो ये 7 देशों के साथ, ठीक है, स्थलीय सीमा पूछा जाएगा तब आप 7 देश लगा दोगे। अगर पूछा जाए उत्तर में कौन कौन से स्थित है, उत्तर में आ जाएगा चीन और नेपाल आ जाएगा, उत्तर पूर्व में कौन सा स्थित है, तो भूटान हो जाएगा। अगर पूछा जाए पूर्व में कौन सा स्थित है, तो ये आपके पूर्व में स्थित है, ये दोनों आपके उत्तर में स्थित है, भूटान आपका उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर पश्चिम में कौन से स्थित है, तो ये आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान पाकिस्तान स्थित है। स्थल के साथ में कौन कौन लगाती है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी सीमा भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, ठीक है, सबसे लंबी सीमा, तो
भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगाता है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में लगभग 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा लगाता है, ठीक। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, बांग्लादेश कितने, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो ये आपका पांच राज्य हो जाएंगे, पांच राज्य हो जाएंगे, याद रखिएगा, पांच राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा लगाता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, आपका पूछा जाता है बांग्लादेश किसके साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, बांग्लादेश किसके साथ सीमा नहीं लगाता है, सीमा नहीं लगाता है। देखो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके सेवन सिस्टर्स हैं, सेवन सिस्टर्स में किसके साथ सीमा नहीं लगाता है ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा, बहुत बारी ट्रिक बता चुके हैं, नागमढ़ी, नागमढ़ी से याद रख सकते हो कि नागालैंड हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा, नाग से हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड के साथ में सीमा नहीं लगाता है और मणिपुर के साथ में सीमा नहीं लगाता है, लेकिन किसके किसके साथ में सीमा लगाता है, तो इन पांच राज्यों की ट्रिक है, जिसके साथ में सीमा लगाता है, ठीक है, ये पांच राज्यों की ट्रिक है। क्या ट्रिक है आप लोगों को पता होगा, AMT, ठीक है, या फिर ATM याद कर लो, ATM MP, ये ट्रिक है आपकी, इसे याद रख सकते हो, इसके साथ में बांग्लादेश अपनी सीमा लगाता है। ए से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, एम से आपका मेघालय हो जाएगा, ठीक है, मेघालय हो जाएगा, ये वाले एम से मिजोरम हो जाएगा, आपको पता होगा, अगर कंफ्यूजन हो मणिपुर में तो पहले ही बता दिया है, नागमढ़ी, नागमढ़ी, मढ़ी छोड़ करके, मणिपुर को छोड़ करके बाकी मेघालय और मिजोरम दोनों से सीमा लगाता है। पी से आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो भी आप बोलो, तो ये पांच राज्य हैं जिससे कि, ये भारत के राज्य हैं जिससे बांग्लादेश अपनी सीमा लगाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहले जो है बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बांग्लादेश को और क्या कहा जाता है, बांग्लादेश को और क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ठीक है, नदियों का देश कहा जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ठीक है, नहरों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन अभी, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, हम आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं इस क्लास में, तो आप लोग कॉपी पेन से जरूर नोट जरूर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन आपका ये बनता है, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, हुआ है। इसके अलावा आपका पूछा जाएगा, भारत का कौन सा राज्य है जो कि दो 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 ओर से घिरा हुआ है, तो तीन ओर से आपको पता है, तीन से त्रिपुरा याद रख सकते हो, तीन ओर से आपका त्रिपुरा घिरा हुआ है, दो ओर से आपका असम घिरा हुआ है, ठीक है, दो ओर से आपका असम घिरा हुआ है, इतना याद रखिएगा। बाकी हम लोग बांग्लादेश की पढ़ रहे हैं, पता ही होगा बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका होती है, तो बस इतना आपको जानने की जरूरत है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से बात करेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है, सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है आपका, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन पूछा जाए आपसे, भारत का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, भारत का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार,
1933 किलोमीटर तक का है, ठीक है। 1933 किलोमीटर तक का पूर्व से पश्चिम, आप समझ रहे होंगे कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, पूर्व से पश्चिम तक का, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण तक की, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की सीमा कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। वही सेम चीज फिर से बताएंगे, ये आपका उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, इनके इनके बीच का दूरी 3214 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, यह याद रखिएगा स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है, समझ आ रही बात, स्थलीय सीमा। लेकिन पूछा जाए भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, इतनी समझ आ रही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे आपको भारत का भूगोल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस क्लास में आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर होंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए द्वीपों सहित, ठीक है, पूछा जाए भारत के द्वीपों सहित कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, कुल तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक। ये आपकी द्वीप, जो द्वीप है ना उनको भी काउंट कर लिया जाएगा तो तट रेखा की लंबाई बढ़ जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन तट रेखा की बात करी जाएगी तो वो 6100 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करी जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का विश्व में स्थान तो कौन सा स्थान हो जाएगा, सातवां स्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है, सातवें नंबर पर अपना भारत आता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे नंबर वन पर है, चलो लिखवा देते, भारत का राज्य क्षेत्रफल में प्रथम, क्षेत्रफल में प्रथम भारत में कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक, राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या की बात करी जाएगी, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल में प्रथम राजस्थान है, जनसंख्या में प्रथम आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, जनसंख्या में प्रथम उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बात करी जाए भारत में घनत्व के आधार पर, घनत्व डेंसिटी के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो डेंसिटी की बात करी जाएगी तो बिहार हो जाएगा, बिहार घनत्व में सबसे नंबर वन पर है। लेकिन अगर भारत में साक्षरता की बात करी जाए, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ, किस राज्य की है, भारत में साक्षरता में प्रथम स्थान पर केरल, ठीक है, केरल, रेशियो बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाए भारत में वन, वन सर्वाधिक कहां पर, वन, तो वन सर्वाधिक कहां पर, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक वन कहां पर है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इतना आप बढ़िया से तरीके से देख सकते हो, आपको सारी चीजें आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे हम लोग क्या बातें करेंगे,
ठीक है। अब भारत का क्षेत्रफल की बात करी गई थी, क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है। अब देखो यहां से आप देखेंगे विश्व में, ठीक है, भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल में, अभी क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा भारत के अंदर का भी डिस्कस कर लिया। भारत विश्व में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है, ठीक है, 2.4% है, ये याद रखेगा। जनसंख्या की बात करी जाएगी तो 17.7% या 17% जो है जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। विश्व की जनसंख्या की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो ये समझ लो आप, ये अभी आपका जूनियर एडेड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सारी इतनी चीजें क्लियर होंगी क्योंकि बिल्कुल आसान सी चीजें थी ये। बाकी आगे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है, कि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में दिखाई देता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है, या फिर सूर्योदय का नहीं, बट हाँ मतलब सूर्य यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देता है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, ठीक है, ये सब कुछ भारत का डिस्कस कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी हो जाएगी, सीमा रेखा कौन सी हो जाएगी? तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ हो जाएगी, रेड क्लिफ रेखा, ठीक। और अगर पूछा जाए भारत और चीन के बीच की रेखा, भारत और चीन के, पूरा कंप्लीट रिवीजन, अगर आप क्लास को ऐसे सुन लेते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप कंप्लीट सुन लेते हो तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा हो जाएगी, ठीक है, मैकमोहन रेखा हो जाएगी, ठीक। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा हो जाएगा? संघ राज्य में दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली संघ राज्य में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? मेघालय में, आपको पता ही है। सारनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? सारनाथ कहाँ पर पूछ लिया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन करके आते हैं, उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन वही सोमनाथ कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट, जो लूट करके ले गया था सोना खजाना, सोमनाथ कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ आपका गुजरात में स्थित है, ठीक, गुजरात में। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। इसके अलावा पूछा जाए भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगी हुई है, भारत के किस, देखो एक तो हो गया बांग्लादेश की सीमा, मतलब किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरी हुई, त्रिपुरा हो गया, लेकिन भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश, वो कौन कौन से देश है? वो आपके देश है नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ये 3 देश है, इनके साथ लगा हुआ है। तो वो आपका राज्य है वो सिक्किम राज्य है, ठीक है, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है सिक्किम। समझ आ रही चीजें? इतनी क्लियर हो? सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको क्लास क्लियर है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश के साथ, वो भी 3 देश कौन कौन से? नेपाल, भूटान और चीन के साथ में सिक्किम लगा हुआ है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, भारत के तटीय राज्य
भारत के तटीय राज्य तट पर कौन कौन से स्थित, नौ राज्य स्थित है, वही आपका हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, गोवा हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और उधर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और तो ये आपके स्थित है, ठीक है, ये आपके तटीय तट पर स्थित 9 राज्य हैं। इसके अलावा आपसे बहुत सारी चोटी वगैरह भी पूछी जाती हैं, ठीक है, चोटी आपसे पूछ ली जाती है कि कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा आप ये बता दो, पहले आप ये बता दो कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, किस मतलब कि किस कौन सी जगह है भारत की मानक, बाकी तो बता ही दिया है, 82.5 डिग्री पूर्व से, भारत की मानक समय रेखा ये आपकी इलाहाबाद नैनी से होकर के जाती है, इलाहाबाद नैनी से होकर के जाती है, गुजरती है, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, आपको लगेगा कि आपको आते हैं और रिवाइज नहीं करोगे फिर पेपर में गड़बड़ हो जाएगा, पेपर में यही सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ कर देती है, छोटी छोटी चीज़ें। आपको पता होगा यहाँ पर भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा, यहीं पर आपके रबड़ की खेती खूब मात्रा में करी जाती है। अगर पूछा जाए हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारत में हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका सूरत हो जाएगा, सूरत, अगर पूछा जाए सूरत कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो सूरत आपके ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। दलहन अनुसंधान केंद्र आपको पता होगा, या चीनी अनुसंधान केंद्र, दोनों के दोनों आपके कानपुर में स्थित है, ठीक है, कानपुर में स्थित है, ठीक है, कानपुर में स्थित है। बाकी आपको और भी चीजें लिखवा देते हैं, वन अनुसंधान संस्थान आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका देहरादून में स्थित है, चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में स्थित है, आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में स्थित है, तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होंगी या सुन करके लिख पा रही हो तो लिख लेना, ठीक है। हम आगे बात करेंगे आपसे जो कि बता रहे थे पर्वत चोटी की, पीर पंजाल कहाँ पर पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है ये बताओ, तो सभी लोगों को पता ना, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ये बता दो, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, ये सबका आंसर करना, एक साथ में आंसर करते हैं, कमेंट पे बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। पीर पंजाल आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में आपका पीर पंजाल स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, कराकोरम पर्वत, कराकोरम हो जाएगा, केटू हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। भारत की पूछे ऐसे तो विश्व की माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, भारत की पूछे जाके तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। पूछा जाए भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो आपका अरावली पर्वत हो जाएगा, अरावली, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी, अरावली आपका राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है, सबसे प्राचीनतम पर्वत है आपका ये, ठीक, माउंट आबू इसी के पास में पड़ता है। अच्छा पूछा जाता है माउंट आबू जो पर्वत है वो किससे निर्मित है, वो नीस
जो पत्थर होता है ना उससे निर्मित किया गया है। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे कि दंडकारण्य कहाँ पर स्थित है, दंडकारण्य कहाँ पर स्थित है? दंडकारण्य ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पड़ता है, मतलब कॉमन है, मतलब बीच में पड़ता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य आपका पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा कि सबसे लंबी भारत में सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है, ठीक। बाकी आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो लिख देते हैं अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सैंडल पीक, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? सैंडल पीक हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा आप क्वेश्चन है आपका कि जो नर्मदा नदी होती है, नर्मदा नदी वो किस घाटी से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है? नर्मदा नदी का निर्माण भ्रंश घाटी से हुआ है, ठीक, मतलब नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से संबंधित है। तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछ भी सकता है। ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कौन से दो पर्वत के मध्य स्थित है, तो सतपुड़ा और विंध्य के मध्य आपकी नर्मदा नदी बहती है, आपको पता होगा। इसके अलावा चिल्का झील पूछा गया है, चिल्का झील भारत में किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील एक प्रकार की खारे पानी की झील होती है जो कि आपके उड़ीसा झील में स्थित है। इसके अलावा आपका पूछ है वेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है? ये वेम्बनाद झील आपकी केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है, रहस्यमयी झील, सब भारत की विशेषता है ये, रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? मासिन राम हो जाएगा, मासिन राम, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान ये आपका लेह हो जाएगा, लेह, ठीक, ये याद रखिएगा, लेह हो जाएगा ये, ठीक। अच्छा पूछा जाए शरदकालीन, भारत में शरदकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा ये शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? यह भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, भी मतलब कि प्रैक्टिस पेपर में बहुत मिलता है। उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में आपका पारादीप बंदरगाह है। इतनी चीजें याद रखिए, सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है, सारी की सारी एक तरफ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे कि
भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? जोग जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, जोग प्रपात हो जाएगा। कौन सी नदी पर स्थित है? नदी कौन सी हो जाएगी? शरावती नदी हो जाएगी। नदी कौन सी हो जाएगी? शरावती नदी हो जाएगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, इम्पोर्टेंट है। शरावती नदी पर आपका सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात, या बोल दें नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा किसे दी गई है? नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा तो चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है इसको। ठीक है, माउंट आबू का बता ही चुके हैं कि माउंट आबू आपका नीस से स्थित है, नीस से। ठीक, चलो आगे आपसे पूछेंगे कि लातूर, पता है कि लातूर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आपके महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट जो आपका ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील, सबसे बड़ा कृत्रिम सागर झील। ठीक है, तो ये आपका गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में गोविंद गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, दुलहस्तीपन बिजली स्टेशन, दुलहस्ती बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है? मिक्स क्वेश्चन, सारी चीजें बहुत बार करवा चुके हैं। दुलहस्ती बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है? यह आपका चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर राज्य कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर हो जाएगा, दुलहस्ती बिजली स्टेशन हो जाएगा। बाकी आपका नागार्जुन सागर, सब कुछ आपका मतलब कि आपका भारत में ही है, भारत का ही सब कुछ बता रहे हैं। नागार्जुन सागर परियोजना यह आपका कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछा जाए आपका, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान क्या है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान ये कहाँ पर है? तो ये आपका हरि के बैराज में है, हरि के बैराज। ठीक, हरि के बैराज से ये इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। ठीक, बाकी शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, कौन से राज्य पर स्थित है? शिव समुद्रम बता दो, शिव समुद्रम परियोजना कौन से राज्य में, कावेरी मतलब कौन से राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है, याद रखना। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है। इतनी चीजें, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये बता, भारत में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन इसके पहले आप ये बता दो, बांध बांध में पोंग बांध कहाँ पर स्थित है? पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर। प्यास नहीं है ये, व्यास नदी है, लो व्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अभी आपको बता देते हैं, भारत में चीनी, ठीक है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये सब उत्तर, सब भारत की विशेषताएं चल रही हैं। भारत सब भारत का ही भूगोल चल रहा है, ये सब कुछ भारत में ही आता है। अच्छा पूछा जाए आपसे, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर, क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर तमिलनाडु, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किस शहर को? पूछा जाए उत्तर भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं कानपुर को। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को, अहमदाबाद को कहते हैं। थोड़ी सी राइटिंग बेकार हो सकती है लेकिन आपको सुन करके भी लिख सकते हो, मतलब इतना तो क्लियर है, ठीक है, सुन करके भी लिख सकते हो अपनी कॉपी पर अगर नोट करना चाहो तो। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। ये सब की सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी अभी तक की। अच्छा ये बताओ कि आपका कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला बंदरगाह, सब इंपॉर्टेंट, सारी की सारी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में पड़ता है, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह आपका, ठीक। अगर पूछा जाए चीनी का उत्पादन सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश में होता है, बट पूछा जाए भारत में चावल का उत्पादन, भारत में चावल का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक? कौन सा राज्य है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे धान का कटोरा किसे कहते हैं? भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ठीक है, भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार? गेहूं का कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। वैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये आपका गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, इनमें इसका प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चावल में तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। और आपको पता ही है हरित क्रांति जो आई थी, हरित क्रांति मतलब इसी वजह से ही आई थी क्योंकि उस टाइम पर भारत में बहुत ही ज़्यादा अनाज की कमी हो गई थी, लोग भूखों मर रहे थे, जिसकी वजह से हरित क्रांति आई। चलो बता देते हैं हरित क्रांति भी कब आई थी आपकी, 1966 से 1967 के टाइम पर, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं, ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं, जिन्होंने मतलब यही था कि वही गेहूं और चावल के उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया था, ताकि गेहूं चावल हो तो उसके बाद ही सारी चीजें हो
होंगी, कम से कम लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, ये है। चलो अच्छा अभी बताओ, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में, कॉफी का, कॉफी नहीं है कॉफी है, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है या किस राज्य में होता है? कॉफी कह लो या फिर जूट, भारत में जूट का उत्पादन, जूट का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में? तो कॉफी आपकी होती है कर्नाटक में, ठीक, कॉफी आपकी कर्नाटक में होती है, लेकिन जूट का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में होता है? यह आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में होता है। अगर पूछा जाए भारत में कपास का उत्पादन, कपास का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में होता है? यह आपका गुजरात में है, कपास आपकी गुजरात में ज्यादातर पाई जाती है। इतने पॉइंट, मतलब इतने क्या है, अभी तो ये स्टार्ट ही है, अभी बहुत, मतलब भारत के बारे में जितना भी बोला जाए कमी है ना, बहुत सारे पॉइंट है, तो बस ये तो छोटे छोटे से पॉइंट है। भारत में पूछा जाए सोयाबीन का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोया का उत्पादन है। अगर पूछा जाए केसर का कहाँ पर उत्पादन है, बाकी यहाँ पर केसर को जीआई टैग भी दिया गया, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो ये आपकी कश्मीर हो जाएगी, कश्मीरी केसर। ये आपका सीटेट के ईवीएस में पूछा गया प्रश्न है कि केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पूछी गई हैं, हो सकता है आपको आता हो, अगर नहीं भी आता है तो पढ़ लो, आता है तो रिवाइज कर लो, इम्पॉर्टेंट है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, इस वजह से सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक। अच्छा आपने पद सुना होगा दोआब, दोआब किसे कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोला जाता है? ये भी पूछा गया है, मतलब ऑनलाइन में पूछता है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब कहते हैं, क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। अच्छा इतना चीज हो गया, ठीक। और बता दो, और आपसे पूछ लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, अभी तक ही हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार से देख लेंगे तभी याद आएगा, ठीक। भारत की स्थिति बता दी है, ठीक है, भारत की स्थिति की कौन सा अक्षांश है, विभाजित रेखा बता दी है, ये मध्यान्ह रेखा या फिर मानक समय भी बोल सकते हो, मानक समय रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व में। बाकी ये बता दिया है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये आपके पड़ोसी देश हो गए, स्थल से लगने वाले, बाकी आपका श्रीलंका भी लगता है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, देख लो एक बार से सारी चीजें, फिर अभी हम आपको और भी सारी चीजें बताते हैं, ठीक है, और भी सारी चीजें बताई जाएंगी, नहर बता देते हैं, ठीक, ये भी हो गया, चलो ठीक है, ये सारी चीजें बता चुके हैं। चलो हो गई है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, आप इसको कॉपी पर नोट करोगे तो आपका कम से कम बहुत सारा पेज हो चुका है, पढ़ लो इसको ढंग से पढ़ लेना, ये नहीं कि मतलब ऐसे मिल रहा है तो फिर ऐसे पढ़ना नहीं है, सारी चीजें पढ़नी है। अच्छा ये बताओ, आपको पता ही है कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी, 8 प्रकार की मिट्टी, और मतलब मुख्य रूप से मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टी, ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टी आपकी पाई जाती है,
तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, हम अभी भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं। आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ चलेंगे, है ना? ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे को लग रहा क्लास में। जैसे कि भारत में, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार हो जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन बात करी जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? लद्दाख का पठार। सबसे ऊंचा बात करी जाए, लद्दाख का पठार हो जाएगा। ठीक, जो कि राज्य वही लद्दाख, अभी वही जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का ठंडा पठार कौन सा होगा? भारत का सबसे ठंडा पठार लद्दाख। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। अब ये तो थी भारत की, चलो थोड़ी सी विश्व की बात करेंगे इसी में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? ये आपका तिब्बत का पठार। ठीक, तिब्बत का पठार हो जाएगा, जो कि कहाँ का है? चीन का है। ये आपका एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न, एमपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ईवीएस में पूछा गया था। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पामीर का पठार, पामीर का पठार हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहेंगे? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये पामीर के पठार को कहा जाता है, पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी चीजें बता देते हैं। कुछ चैनल है, ठीक है, जिसको बोला जाएगा जल अंतराल। जल अंतराल कौन कौन किसके किसके बीच में बनता है? जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य बनता है? तो आपको पता होगा ये तो अपने पड़ोस में ही है, मालदीव, मालदीव व मिनी कॉय के बीच में, मालदीव व मिनी कॉय के बीच क्या बनता है? 8 डिग्री चैनल बनता है। 9 डिग्री चैनल की बात करी जाए, 9 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य बनता है? नौ डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनी कॉय के बीच में, लक्षद्वीप व मिनी कॉय के बीच में। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करी जाए, 10 डिग्री चैनल, तो ये आपका अंडमान व निकोबार के बीच में, अंडमान व निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। ठीक, ऐसे ही आपका दक्कन पास, दक्कन पास किसके किसके मध्य पड़ता है? तो ये आपका दक्षिण अंडमान
व लघु अंडमान के मध्य पड़ता है, डक्कन पास हो जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाएगी पाक स्ट्रेट या जिसको जल डमरू मध्य कहते हैं, पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य, ये आपका भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, भारत व श्रीलंका के मध्य। याद रखिएगा आसपास का ही है, भारत के ही आसपास का, तो ये सब कुछ पढ़ना है। लेकिन अगर पूछा जाए मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी किसके किसके मध्य स्थित है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु, मतलब है वही चीजें, बस क्वेश्चन अलग अलग करके देगा। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, ठीक है, श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर किसके किसके मध्य है, तो ये है स्थित आपका लक्षद्वीप, पता ही है, और मालाबार तट के बीच में, कोकण, केंद्रा, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, पता होगा। तो लक्षद्वीप हुआ मालाबार तट के बीच, मतलब ये आपका पानी है, ये लक्षद्वीप सागर है, ये लक्षद्वीप, ये मालाबार तट, तो ये लक्षद्वीप हुआ मालाबार तट के बीच स्थित है लक्षद्वीप सागर। पूछा जाए खंभात की खाड़ी किसके किसके मध्य पड़ती है, खंभात की खाड़ी, तो ये आपका पूर्वी गुजरात, नर्मदा व ताप्ती का मुहाना, इनके मध्य पड़ता है खंभात की खाड़ी, ठीक। पूछा जाए कक्ष की खाड़ी कहाँ पर है, कक्ष की खाड़ी सब भारत का, ठीक है, कक्ष की खाड़ी कहाँ पर है, तो कक्ष की खाड़ी आपकी पश्चिम गुजरात में स्थित है, कहाँ स्थित है, पश्चिम गुजरात में आपकी कक्ष की खाड़ी स्थित है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अभी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे पर्वत चोटी के बारे में, पर्वत चोटी के बारे में, जैसे कि आपके पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी भी लिख करके देता है, जिंदागाड़ा ऑप्शन में, जिंदागाड़ा लिख सकते, ठीक। ये पूर्वी तट थी, पश्चिमी तट की क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनाई मुड़ी, ठीक। इसके अलावा आपकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगी, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अरावली की गुरु शिखर हो जाएगी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बता दो, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा हो जाएगी, ठीक, दोदा बेटा हो जाएगी। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, ये एक साथ लिखवा दे रहे, लिख लो, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक हो जाएगी, ठीक, सैडल पीक। सिक्किम हिमालय की, सिक्किम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा, कंचनजंगा हो जाएगी। तो ये सारी की सारी आपकी चोटी थी, कराकोरम श्रेणी की तो केटू ही हो जाएगी, अब आपको पता ही है, इसमें अब हम क्या ही नया बताएंगे, ठीक। तो ये सारे के सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट थे, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगे, ठीक है। बाकी चलो अच्छा ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ये आपको पता ही होगा। तो
ये आपके आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बताना एक बार से आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। भारत की स्थिति पढ़ लिया है, ठीक है, भारत की स्थिति कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पढ़ लिया है, इसके स्थलीय पड़ोसी देश पढ़ लिए हैं, ठीक है, तटवर्ती पढ़ लिया है, बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है, बांग्लादेश की विशेषता क्या है, स्थलीय सीमा क्या है वो पढ़ लिया हम लोगों ने, कौन से वाले राज्य का कौन सा पहला किस में स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल भी पढ़ लिया हम लोगों ने, कौन सा राज्य का क्या स्थान है, किस में बड़ा है, कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, हीरा संस्थान, चावल, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई इसमें। दंडकारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, अंडमान निकोबार, चिल्का, वेम्बनाथ, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे बढ़िया आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, आपको कितना कुछ इस क्लास से सीखने को मिला है, ज़रूर से कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो को ये जो क्लास है आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो, ठीक है, क्लास को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो। बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। ये सारे के सारे पठार थे, ये भी पठार की विशेषताएं हैं, ये आपके जल अंतराल है, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, इम्पॉर्टेंट है किसी ना किसी एग्जाम में, छोटे से छोटा एग्जाम बड़े से बड़ा एग्जाम पूछ ही लेता है, पर्वत चोटी है ये, ठीक है। तो पूरी क्लास देखिएगा, बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो सारिका लाइव, अनलॉक करने के लिए भी मेरा कोड यूज़ कर सकते हो सारिका लाइव, सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी आप मेरी क्लास कल साइंस की स्टार्ट हो रही है 3 बजे से KVS के बैच में, उसे इनरोल कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है, और जो मर्जी हो वो काम करिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।